नीरव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरव क्रेजी। तो ये है वो लूप और इसको मैं लगाने वाला हूँ स्पीड क्यूब में। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि अगर आपका क्यूब अगर बहुत ही रफ हो चुका है, अगर उसका जो स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, तो उसको कैसे इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ही इजी चीज़ है, अगर आपके पास ल्यूब है तो आप ल्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ तीन तरीके से आपके क्यूब की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। फर्स्ट है कि आपका क्यूब का स्क्रू बहुत ही टाइट है, तो आपका क्यूब इतना टाइट हो चुका है जैसे कि आप उसको धीरे धीरे मूव करना पड़ता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और दूसरा होता है कि आपके क्यूब में जो गंदगी है उसके कारण भी स्पीड कम हो जाता है और उसको साफ़ करना पड़ता है। और ऐसा भी होता है कि अगर आप ल्यूब नहीं डालते हो तो आपकी स्पीड कम ही हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इसको कैसे क्या करते हैं। तो फर्स्ट पहले तो आपको, अगर आपका क्यूब है तो आपको सेंटर पीस निकाल के अपने क्यूब को स्क्रू ढीला कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हर जगह से कर सकते हैं आप लोग। तो सेकेंड है कि आपको साफ़ करना पड़ता है क्यूब को। तो अभी क्यूब को साफ़ करते हैं। सबसे पहले इसको इन पीसेस को निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे ही करके निकालना पड़ेगा। सब देख सकते हैं ये क्यूब के सारे पीसेस मैंने निकाल लिया है। तो अब इसको साफ़ कर ये एकदम से असेंबल हो चुका है और इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें अगर आप ल्यूब डालेंगे तो और भी इंक्रीज हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सेंटर पीस को निकाल लीजिए और उसके बाद ल्यूब को ले लीजिए। कॉर्नर कट भी वेस्ट हो चुकी है पहले से, तो क्योंकि ये तो मैग्नेट क्यूब नहीं है इसलिए। तो वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।